अस्सलामु अलैकुम बच्चों, इस लेक्चर का ताल्लुक क्लास 10 से है और क्लास 10 के हवाले से चैप्टर नंबर 1 हमारा चल रहा है और एक्सरसाइज 1.3 का लेक्चर नंबर 6 जो है वो डिस्कस होने जा रहा है। एक्सरसाइज 1.3 में मैंने आपको बताया था कि टाइप्स हैं और एक टाइप जो है यानी वन टाइप जो है वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। तो जिन दोस्तों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखे हुए उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले तो लास्ट लेक्चर आप देख लीजिए सारे के सारे, ताकि यहाँ तक पहुँचते हुए आपको ये लेक्चर समझने में क्या हो आसानी हो। इसके बाद बच्चों देख लीजिए, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके बेल के आइकन को प्रेस कीजिए और आल का एक वर्ड लिखा हुआ सामने आएगा उसको प्रेस कर दीजिएगा, यानी आल नोटिफिकेशंस आप ऑन कर दीजिएगा। उसके बाद अपनी वीडियो क्वालिटी जो है वो देख लेंगे, एटलीस्ट 360 पॉइंट पर वीडियो चलनी चाहिए, वीडियो होनी चाहिए 360 पॉइंट पर, रखकर ब्राइटनेस बढ़ा देंगे तो अच्छा वाइट बोर्ड नज़र आ जाएगा। लेकिन अगर बिल्कुल क्लैरिटी चाहिए तो आपको फिर 480 पर या 720 पर जाना पड़ेगा। तो चलें जी शुरू करते हैं हम अपने लेक्चर को, और इस एक्सरसाइज की जो सेकेंड टाइप है इस लेक्चर में हमने वो डिस्कस करनी है। बच्चों इस सेकंड टाइप के अंदर एक ख़ास बात है, वो ख़ास बात क्या है ज़रा देखिएगा। 2x² प्लस 1 प्लस 3 इंटू, मैंने ये 3 पहले लिख दिया, 1 ओवर 2x² प्लस 1 इक्वल टू 4 कर दिया है। इस टाइप की खासियत क्या है, देखें जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसी का आगे क्या लिखा हुआ है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल से मुराद क्या है, उलट लिखा हुआ है, यानी इसका उलट आगे लिखा हुआ है। तो अब आपने क्या करना है, आपने करना है जी फ़र्ज कर लेना है कि लेट आपके पास ए जो है ये किसके इक्वल होगा, 2x² प्लस 1 होगा। आप ए से ना फ़र्ज करें, वाई से फ़र्ज कर लें, वाई इज़ इक्वल टू क्या होगा, 2x² प्लस 1 हो जाएगा। अगर ये वाई है तो इसका मतलब है ये फिर क्या होगा, 1 ओवर वाई होगा, यानी बहुत साइड आप इसको उल्टा दें तो 1 ओवर वाई बराबर होता है 1 ओवर 2x² प्लस 1 के। तो इसका मतलब है इस बात को लिखा जाएगा y प्लस 3 इंटू 1 ओवर वाई, 4 को लेफ्ट पे ले आएंगे तो ये हो जाएगा -4 इक्वल टू 0। अब बच्चों पूरी इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई कर दें ताकि नीचे वाले y से जान छूट जाए। पूरी इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y² प्लस हो जाएगा 3, y से जब मल्टीप्लाई करेंगे y से y कट जाएगा, ये हो जाएगा -4y इक्वल टू 0 एंड y² -4y प्लस 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट आपने क्या करना है, देखें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन करके इसके रूट्स निकाल लेने हैं। तो इसकी फैक्टराइजेशन क्या होती है, y² माइनस 3y माइनस y प्लस 3 इक्वल टू 0, y कॉमन लेंगे y माइनस 3, माइनस 1 कॉमन लेंगे y माइनस 3 इक्वल टू 0 आ जाएगा। सो दिस कैन बी रिटन एज y इज इक्वल टू, इसका एक रूट 1 आएगा, दूसरा रूट इसका जो है y इज इक्वल टू 3 आएगा। अब बच्चों आप लोगों ने यहाँ से आगे फिर काम करना है, क्योंकि हमें y की कीमत नहीं चाहिए, हमें x की कीमत चाहिए। तो आप क्या करेंगे, y की जगह पे वापस ये वैल्यू रिप्लेस करेंगे, सो 2x² प्लस 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये 1 उधर जाके माइनस करेंगे तो 2x² इक्वल टू 0, x² इक्वल टू 0 होगा और x की वैल्यू फिर 0 कैलकुलेट हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा y की जगह पे 2x² प्लस 1 इज इक्वल टू 3, सो 2x² इज इक्वल टू 1 उधर जाकर माइनस होगा 2 बचेगा, बोथ साइड को 2 से डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू x² इक्वल टू 1 आएगा, बोथ साइड अंडर रूट लेंगे तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 इसका आंसर आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, सोल्यूशन सेट बनाकर उसमें आपने ये 3 वैल्यूज़ लिख लेनी है, 0 प्लस 1 और माइनस 1, ये इसका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। बच्चों सेम देखिए इसी वे में कि अगर आप इसको देखते हैं और इसको देखते हैं तो ये इसका क्या है, रेसिप्रोकल है। तो पहले वाले को आपने लेट कर लेना है वाई, और दूसरे वाला हो जाएगा 1 ओवर y, दिस इज x माइनस 3 ओवर x, सो दिस कैन बी रिटन एज
वाई प्लस फोर वाई, फोर इंटू वन ओवर वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर। अब इस बात को आप लिखेंगे पूरी क्वेश्चन को y से मल्टीप्लाई कर दें, y स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 4y, सो y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0। अच्छा बच्चों, इसके दो हल हैं, एक तो यहाँ पे इसकी फैक्टराइजेशन भी की जा सकती है, एक फार्मूला भी इसका बनता है, यानी आप इसको y माइनस 2 होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो मतलब y चूँकि एक स्क्वायर कंप्लीट होता है, तो इसलिए मैंने ज़रा काम को मिनिमाइज़ कर दिया, शॉर्ट करके उसका स्क्वायर जो है वो कंप्लीट कर दिया है। आप अगर फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टर करने के बाद दो ही फैक्टर आएंगे, y माइनस टू, तो एक ही बात होगी। तो आपने क्या करना है, अंडर रूट लेना है बोथ साइड, सो वन माइनस वाई माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। अब आपने फर्दर इसके अंदर काम करना है जी, y की जगह पे ये वैल्यू रिप्लेस करेंगे, x ओवर x माइनस थ्री माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो होगा। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस टू इंटू x माइनस थ्री ओवर हो जाएगा x माइनस थ्री इक्वल टू ज़ीरो। ये x माइनस थ्री इधर जाकर ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा, ज़ीरो बन जाएगा, तो ये बनेगा x माइनस टू एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू ज़ीरो। बच्चों ये जवाब बनेगा हमारे पास माइनस एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू ज़ीरो, एंड माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस सिक्स, सो एक्स इज इक्वल टू सिक्स। तो सॉल्यूशन सेट में आपने सिर्फ इसका एक ही आंसर लिखना है, सिक्स, इसके अलावा इसका आंसर नहीं होगा। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को भी सॉल्व करने का जो पैटर्न है वो सेम है, इसी क्राइटेरिया से हम सॉल्व करेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड सा दिखाई दे रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो सेम पैटर्न पे होने हैं, तो बहुत आसान है, इनमें भी कुछ नहीं है। देखिए इसको आप लेट कर लेंगे y 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1, और ये हो जाएगा 1 ओवर y। अब आपने यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, ये बनेगा आपके पास y प्लस वन ओवर y इक्वल टू सिक्स टू ज़ा 12 प्लस वन क्या हो जाएगा 13/6। पूरी इक्वेशन को आप एक काम करेंगे 6y से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसका एलसीएम 6y आता है, तो 6y से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 6y स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 13y, एंड दिस कैन बी रिटन एज 6y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसके बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्या बनता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी फैक्टराइजेशन क्या होगी, देखें 6 6 36 होता है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी 6y स्क्वायर बीच में है माइनस 13, तो मैंने इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो ये बनेगा माइनस 9y माइनस 4y प्लस 6 इक्वल्स टू 0, तो ये इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। अब यहाँ से देखिए 3 कॉमन आता है, तो 3y जब आप बाहर कॉमन निकालेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 2y माइनस 3, यहाँ से माइनस 2 बाहर कॉमन निकालेंगे तो ये बनेगा 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब ये बात बनेगी हमारे पास 3y माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। ये यहाँ से आगे अब आपने वैल्यूज़ पुट करनी है, तो बच्चों ये देखें ये बनेगा हमारे पास 3y माइनस 2 इक्वल टू 0, 2y माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये y की वैल्यू जो आपने फ़र्ज की हुई है ये पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो बच्चों इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं इसका जवाब क्या आता है। ये 3 अंदर इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 3 4 आर 12x प्लस 3 1 आर 3 माइनस, ये एलसीएम लेंगे इसके साथ तो 2 इंटू 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। सारा एलसीएम लेने के बाद मैं अपने टोटल आंसर तक पहुँचाऊँ, ये चूँकि एलसीएम लेना आसान है, ये सिंपल बात है, आप ले सकते हैं एलसीएम, तो इसलिए मैंने इसका डायरेक्ट एलसीएम लेके ये लिख दिया, वरना अगर आप परेशान हो रहे हैं, हो सकता है आप परेशान हो जाए, तो मैं लिख देता हूँ नीचे, चलें 4x माइनस 1 कर देते हैं, यानी ये एलसीएम इस 2 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया।
अब ये नीचे वाली वैल्यू ज़ीरो से मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगी, बाकी बच जाएगा आपके पास 12x प्लस 3 माइनस हो जाएगा 8x प्लस हो जाएगा 2 इक्वल टू ज़ीरो। अब इसके बाद आपने वैल्यू मालूम करनी है, तो 12 में से 8x माइनस होगा, बाकी बचेगा 4x, 3 प्लस 5 हो जाएगा प्लस 5 इक्वल टू ज़ीरो। तो डियर स्टूडेंट्स, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस 5 बाय 4। बस ये अब आप लोगों ने देख लेना है। इसी तरीके से अब आपने यहाँ पे y की वैल्यू ये वाली पुट करनी है और ऐसे ही सॉल्व कर लेना है। ये बहुत आसान है, आपने 9th में किए हुए हैं ये सारे काम, तो आप लोगों को ये आते हैं। मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ कि आप इंशाल्लाह ये आप खुद कर लेंगे। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 9। देखो बच्चों, सेम पैटर्न है, बिल्कुल सेम पैटर्न। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे उसी पैटर्न पे चलना है। लेट y इज़ इक्वल टू x माइनस a ओवर x प्लस a, 1 ओवर y इज इक्वल टू x प्लस a ओवर x माइनस a। सो दिस कैन बी रिटन एज y प्लस 1 ओवर y इक्वल टू 7 बाय 12। इसको आपने किससे मल्टीप्लाई करना है जी, 12y से मल्टीप्लाई करना है। तो जब 12y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12y स्क्वायर प्लस 12 इक्वल टू 7y हो जाएगा। इसके बाद आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है, 12y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12 इक्वल टू ज़ीरो। आगे ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने क्या करना है, फैक्टराइजेशन करके इसके रूट्स हासिल करने हैं। फिर ऐसे ही दो रूट्स आएंगे, y की वैल्यू पुट करके आपने सिंप्लीफाई कर देना है। तो ये बड़ा आसान सा काम हो जाएगा। अच्छा, इसमें बच्चों एक बात और है कि अगर आपको लगे कि एलसीएम लेना ज़रा यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा, मेरा ख्याल है कि ये मेथड मैंने ज़रा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कर दिया है, आप इसको थोड़ा आसान भी कर सकते हैं। कैसे, 2y इक्वल टू 3 कर लें, ये आसान हो जाएगा। आपने 2 इंटू वाई की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देनी है, 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 इक्वल टू 3। तो ये 2 अंदर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8x प्लस 2 ये इससे जाके मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू 12x माइनस 3 हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, इससे भी आपका आंसर जो है वो ज़रा जल्दी कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे बच्चों आप लोगों को आसानी हो वैसे आप इंशाल्लाह इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सेम पैटर्न पे आपने इसको सॉल्व करना है। मुझे अचानक ये बात जहन में आ गई, तो मैं कहा ये आसान किया जा सकता है, तो ये बात आप लोगों को बता दी। चलें इसके बाद हम देखते हैं जी इसकी नेक्स्ट टाइप। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11, इन दोनों को सॉल्व करने का मेथड जो है वो बिल्कुल सेम है। देखें इसमें एक्स की सबसे बड़ी पावर कितनी है, 4 है, तो ये इसका मतलब है क्वाड्रेटिक नहीं है। लेकिन ये जो इक्वेशन आपको दी हुई है, ये ख़ास किस्म की इक्वेशन है। ये बात आप याद रखें कि इसको क्वाड्रेटिक बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है, देखो सबसे पहले तो आपने ये करना है, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, पूरी इक्वेशन को ना आपने एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देना, पूरी इक्वेशन को। तो जब एक्स की पावर 4 को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा। एक्स क्यूब को जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो स्क्वायर से क्यूब कट जाएगा, बाकी बचेगा माइनस 2x। इसको जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, बाकी बचेगा माइनस 2। इसको जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 1 ओवर एक्स। इसको जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसके बाद बच्चों आप लोगों ने क्या करना है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को आपस में मिला लेना है। यानी आपने करना है जी एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, इन टर्म्स को आपस में मिला लेना है। इनमें से माइनस कॉमन ले लेना है। देखें यहाँ पे मेरा ख्याल है 2 था, मैं मिस कर गया हूँ, प्लस 2 था ये। अच्छा, अब आपने यहाँ से क्या करना है, इन दोनों में से माइनस 2 जो है वो कॉमन ले लेना है। और जब माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो आपके पास सिचुएशन क्या बन जाएगी, एक्स माइनस 1 ओवर एक्स, और फिर ये वाला माइनस 2 जो है ये आखिर में आ जाएगा। जी बच्चों, फर्स्ट और लास्ट को कंबाइन कर लिया, इसमें से और इसमें से माइनस 2 बाहर कॉमन निकाल लिया, अंदर बच गया ये प्लस एक्स माइनस 1 ओवर एक्स, ये माइनस 2 आ जाएगा।
अब यहाँ से आगे आप लोग ज़रा देखिए, ये एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर बना हुआ है, ये एक्स माइनस वन ओवर एक्स बना हुआ है। आपको पता है कि अगर इसका स्क्वायर लें तो इससे ये चीज़ बनाई जा सकती है। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे जी पुट एक्स माइनस वन ओवर एक्स इक्वल टू वाई कर लेंगे। इसके दोनों तरफ स्क्वायर ले लेना है, x माइनस वन ओवर एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू y। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, x स्क्वायर प्लस वन ओवर x स्क्वायर माइनस टू ए इंटू बी इक्वल टू y स्क्वायर, इधर भी आएगा। x से x बच्चों कैंसिल होगा, ये माइनस टू उधर जाके प्लस टू हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस टू बन जाएगा। अब आपने फर्दर क्या करना है, देखें ये वाला जो वाई स्क्वायर प्लस टू है इसकी जगह पुट करेंगे, आप करेंगे जी नाओ वाई स्क्वायर प्लस टू, इसकी जगह आपने वाई स्क्वायर प्लस टू रिप्लेस कर दिया, माइनस टू इस ब्रैकेट की जगह आपने क्या रिप्लेस करना है y, ये वाला माइनस टू एज इट इज आ जाएगा। तो प्लस टू से ये माइनस टू कैंसिल हो गया, बाकी इक्वेशन बच गई y स्क्वायर माइनस टू वाई इक्वल्स टू जीरो। अब यहां से आपने दो हिस्से बना लेने, y कॉमन निकालेंगे, y माइनस टू इक्वल टू जीरो हो जाएगा, y की एक वैल्यू जीरो हो जाएगी और y की दूसरी वैल्यू जो है वो टू हो जाएगी। अब आपने y की जगह पे वैल्यू पुट करनी है, सो दिस इज x माइनस वन ओवर x इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ पर भी वैल्यू पुट करेंगे x माइनस वन ओवर x इज इक्वल टू टू। तो बच्चों अब यहाँ से आगे दो इक्वेशंस फिर आपको क्वाड्रेटिक हासिल होंगी, इसको मैं आगे शिफ्ट कर रहा हूँ, देखें अगले पेज पे हम जा रहे हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास x माइनस वन ओवर x इज इक्वल टू ज़ीरो, x माइनस वन ओवर x इज इक्वल टू टू, ये मैंने अगले पेज पर लाइन डाल के शिफ्ट कर दी है। अब आपने क्या करना है, पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो होगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू वन होगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट वन करेंगे और x इज इक्वल टू प्लस माइनस वन आंसर आ जाएगा। सेम वे में उसको आपने सॉल्व करना है, यानी पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू टू एक्स होगा, x स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। अब ये हमारे पास एक फार्मूला बनता है, x स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, इसको लिखा जा सकता है x माइनस वन होल स्क्वायर, और बोथ साइड अंडर रूट लेंगे तो x माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा और x इज इक्वल टू वन आ जाएगा। तो बच्चों सॉल्यूशन सेट आपने बनाना है, तो सॉल्यूशन सेट में आप लिखेंगे प्लस माइनस वन, दिस इज़ द आंसर। अब यहाँ पर देखें, वैसे तो जवाब तीन बनते थे, माइनस वन बनता था, प्लस वन बनता था, फिर प्लस वन बनता था। तो आपको पता है कि हम सॉल्यूशन सेट में कोई भी वैल्यू जो है वो दो दफ़ा नहीं लिखते, तो इसलिए प्लस वन चूँकि दो दफ़ा आ रहा था इसलिए मैंने दो दफ़ा नहीं लिखा, एक ही दफ़ा लिख के काम को ख़त्म कर दिया था। तो ये था बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 11 है सेम इसी पैटर्न पे होना है। तो पहले आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स प्लस वन बाय एक्स प्लस टू ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो होगा। इन दोनों में से टू बाहर कॉमन निकाल लेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू ज़ीरो। देखिए अब ये वही शक्ल तकरीबन बन गई है, तो इसमें माइनस लिखा हुआ है उसमें प्लस लिखा हुआ है, क्या फ़र्क पड़ता है। तो आपने यहाँ पर यही कुछ करना है, पुट एक्स प्लस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू वाई जी बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट हमने करना है एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस टू ए भी करेंगे तो टू आ जाएगा इक्वल टू वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस टू। तो अब इस ब्रैकेट में आपने करना है जी टू इंटू ब्रैकेट वाई स्क्वायर माइनस टू
प्लस इस ब्रैकेट की जगह हो जाएगा वाई माइनस सिक्स इक्वल टू ज़ीरो, फिर आगे इसको ऐसे ही हल कर लेंगे। अच्छा बच्चों, यहाँ पर जो है वो एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। मिस्टेक क्या हुई है कि मतलब ये वाला जो माइनस वन था वो मैंने प्लस वन कर दी है। ये देखें, ये यहाँ पर गलती हो गई है। तो इस मिस्टेक को हम ठीक कर लेते हैं बच्चों। ये मिस्टेक यहाँ पे माइनस वन, ये माइनस वन हो जाएगा। तो जब माइनस वन होगा तो फिर इसका मतलब है ये स्क्वायर कंप्लीट नहीं होगा। ये पिछले सवाल का हिस्सा हम कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। तो अब यहाँ से आगे चौंके, ये माइनस वन आ गया तो इसलिए बच्चों इसका स्क्वायर जो है वो कम्प्लीट नहीं हो रहा। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। सो दिस इज़ एक्स इज़ इक्वल टू, ए की वैल्यू वन है, बी की वैल्यू माइनस टू है और सी की वैल्यू माइनस वन है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको पता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर करेंगे तो फोर हो जाएगा, माइनस फोर ए सी जब करेंगे तो माइनस माइनस प्लस करके फोर डिवाइडेड बाय टू ए करेंगे तो टू आ जाएगा। सो दिस कैन बी रिटन एज एक्स इज इक्वल टू टू प्लस माइनस अंडर रूट एट ओवर हो जाएगा टू। सो एक्स इज इक्वल टू टू प्लस माइनस अंडर रूट एट को लिखा जा सकता है टू अंडर रूट टू डिवाइडेड बाय टू। एक्स इज इक्वल टू टू कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो वन प्लस अंडर रूट टू आ जाएगा। अब आपने इसका सॉल्यूशन सेट में जवाब लिखने हैं जी तीन, तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन सेट में प्लस माइनस वन और वन प्लस माइनस अंडर रूट टू। तो ये इसके फोर आंसर्स हो गए बच्चों, एक प्लस वन माइनस वन, एक वन प्लस अंडर रूट टू, दूसरा वन माइनस अंडर रूट टू। तो इसके हमारे पास फोर आंसर्स हो गए। तो बाकी ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, बेटे ये सेम पैटर्न पे इंशाल्लाह अब आप खुद कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग खुद ट्राई करेंगे। और लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और प्रैक्टिस इसकी दो तीन बार आप करेंगे। प्रैक्टिस करने से ये क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं होगा कि फ़ौरन ही आपको ये समझ आ जाए। तो एक दो बार आपने इसको देख देख के प्रैक्टिस करनी है। चलें जी, लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो बच्चों लाइक के बटन को ज़रा प्रेस कर दीजिए और शेयर का बटन दबा के दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू जी, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।